हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि गूगल एनालिटिक्स क्या है और इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर आपकी कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है तो यहाँ पे आप कैसे पता चल पाएगा कि विजिटर कितने आ रहे हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर और कितना टाइम अपनी वेबसाइट पर वो स्पेंड कर रहा है और कौन से डिवाइस से आ रहे हैं, कौन से टाइम पर आ रहे हैं, कौन सी कंट्री है, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो हमें गूगल एनालिटिक्स टूल से मिलती है। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स एक गूगल का बनाया हुआ एक पूरा का पूरा एनालिटिक्स है। यहाँ पे आप गूगल एनालिटिक्स के जरिए आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे आपको यानी एक तरह की नज़र रख सकते हो कि विजिटर क्या कर रहे हैं आपके वेबसाइट पर। और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स आपको ये भी बता देगा कि कौन सी कंपनी का मोबाइल है, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, और उसका जो पूरे का पूरा जो फ्लो है वो आपको बताएगा कि ये यूज़र जो है वो कौन से पेज के बाद कौन से पेज पर गया, कौन से पेज में इसके बाद कौन से पेज, ये पूरा का पूरा जो यूज़र का फ्लो है वो आपको गूगल एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे भैया आपको गूगल एनालिटिक्स के जरिए आपको सब पता चल जाएगा कि आपका विजिटर के बारे में और आपकी वेबसाइट के बारे में। तो इसके जरिए आप क्या कर सकोगे कि आपकी वेबसाइट के एनालिसिस करोगे, बाद में आपको पता चलेगा कि कौन से पेज पर विजिटर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक आप अपना जो पेज है वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे गूगल आपको पूरा का पूरा एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बात रही कि आप अगर गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना चाहते हो तो इसे यूज़ कैसे करें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन अप करना है, बाद में आपकी जो वेबसाइट का डोमेन है वो रजिस्टर करना है और बाद में गूगल एनालिटिक्स आपको एक कोड देगा। वो कोड बेसिकली आपको हेडर सेक्शन जो है होम पेज का वहाँ पे आपको लगाना है। बाद में यहाँ पे ये पता फिक्स नहीं है कि आपको होम पेज पे ही लगाना है, आपको जिस पेज को आप एनालिटिक्स करना चाहते हो वो हर पेज पे आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बेटर है कि एक पेज तो ऐसा होगा कि जो सारे की सारा पेज पर कॉल होगा, तो यहाँ पे एक कोड वहाँ पे पेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट पूरे के पूरी एनालिटिक्स हो जाएगी, क्योंकि वो जो पेज है वो बाकी सारे पेज में कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट एनालिसिस कर सकोगे। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स कोड इसलिए प्रोवाइड करता है कि उसको पता चले कि हाँ भाई, ये जो यूज़र है वो अपनी वेबसाइट पर मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो उसे भी पता चल जाएगा कि वेबसाइट का असली ओनर ये है, तो उसे मॉडिफाई करने की जो परमिशन है वो है कि नहीं, इसलिए वो कोड प्रोवाइड करता है और वो कोड आपको जस्ट हेड सेक्शन में पेस्ट कर देना है। बाद में जो भी विजिटर आएगा वो अपनी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो वो आपको पता चलता रहेगा कि करंट यूज़र कितने हैं, कौन से यूज़र कौन सी कंट्री से, कौन से मेल फीमेल, वो सारा का सारा एनालिटिक्स जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स एक वेबसाइट या ब्लॉग के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। आपकी वेबसाइट या ब्लॉग उसे पूरे का पूरा एनालिटिक्स करने को और आपको एनालिटिक्स के जरिए आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर जो है वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच सके। तो इसके जरिए गूगल एनालिटिक्स बहुत ही अच्छा टूल है और ये एक तरह का ऐसा है कि आप अपनी वेबसाइट पर कोई खामी ढूंढ रहे हैं गूगल एनालिटिक्स के जरिए, तो गूगल ये प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में सारा का सारा पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आप जब भी प्रैक्टिस करोगे उसकी, तब आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि गूगल एनालिटिक्स किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे आपको कई सारा फीचर्स दिया जाता है। देखो, एनालिटिक्स जो है वो आप वेबसाइट के लिए भी कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हो। तो इसके लिए गूगल एनालिटिक्स आपको स्टार्टिंग में ही पूछ लेगा कि आप मोबाइल ऐप के लिए एनालिटिक्स करना चाहते हो या वेबसाइट या ब्लॉग के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।